मध्य प्रदेश के नेमावर में हुई आदिवासी परिवार की हत्या के 2 साल पूरे हो चुके हैं। आदिवासी परिवार को कांग्रेस नेता दीपक जोशी श्रद्धांजलि देने पहुंचे। उन्होंने शिवराज सरकार पर हमला करते हुए कहा कि इस जघन्य हत्याकांड को पूरे 2 वर्ष हो गए हैं, लेकिन पीड़ित आदिवासी परिवार को अभी तक न्याय नहीं मिल पाया है। ये सरकार गरीब आदिवासी विरोधी सरकार है। नेमावर में रहने वाले आदिवासी परिवार के 5 सदस्य 2 साल पहले अचानक घर से लापता हो गए थे, जिनके शव नेमावर स्थित एक खेत में 10 फीट गहरे गड्ढे में बरामद किए गए थे। पुलिस ने हत्या के आरोप में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया था, जो अभी जेल में है। आदिवासी समाज के लोग हत्यारों की फांसी की मांग कर रहे हैं। दीपक जोशी ने आदिवासी परिवार की पुण्यतिथि पर कहा कि जघन्य हत्याकांड को पूरे 2 वर्ष हो गए हैं, लेकिन पीड़ित आदिवासी परिवार को अभी तक न्याय नहीं मिल पाया है। सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है, इसलिए आज तक आदिवासी परिवार को न्याय नहीं दिला पाई है। पूर्व मंत्री जोशी ने कहा कि वो पीड़ित आदिवासी परिवार को न्याय दिलाकर ही रहेंगे। आज इस श्रद्धांजलि में मैं 5 मृतकों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए यही विश्वास करता हूँ, इन पुण्यात्मानों जिस प्रकार एक प्रकार से अपने शरीर को खोकर समाज को चेतना देने के लिए एक नया मिशन की शुरुआत बहन भारती और संतोष के नेतृत्व में की है, वो मिशन हम कामयाब बनाकर सच्ची श्रद्धांजलि आतंकियों को, मैं तो आतंकी कहूंगा, हत्यारों को उनकी सजा तक पहुंचाकर भारतीय कानून पे हम पे भरोसा है, उस कानून के साथ लड़ाई लड़के हम उन सब हत्यारों को पंजाब तक पहुंचाएंगे। शायद यही सच्ची श्रद्धांजलि इन 5 मृतकों के लिए होगी। मैं आपको इसके लिए आश्वस्त कराता हूँ। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।